नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पूजा घर में पूजा करने के लिए बहुत ही प्यारा सा आसन बनाएंगे, जिसके लिए हम ये दो साड़ियों की लेस का यूज करेंगे। जब भी मेरे पास कोई पुरानी साड़ी आती है तो उसमें से लेस निकालकर मैं अपने पास रख लेती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट DIY में इसे यूज करती हूँ। तो इन दोनों लेसेस को भी मैंने दो पुरानी साड़ियों में से लिया है। ये दोनों लेस पूरी यूज नहीं होंगी, इसमें से काफी बच जाएंगी जिसे हम दूसरे DIY में यूज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेस को अलग रख लेंगे। तो देखिए, आसन बनाने के लिए मैंने सेम साइज के कपड़े के दो स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं, विड्थ इनके 14 इंच और लेंथ भी इनकी 14 इंच है। अब एक पीस हम अलग रख लेंगे, लेस लेंगे, देखिए इस तरह से रखेंगे, इसके बराबर कट कर लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे ऊपर से बराबर। अब दूसरी लेस लेंगे, इसे भी इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, बराबर कट कर लेंगे। अब फिर से इस लेस को लेंगे, देखिए कपड़े के बराबर हमने लेसेस कट कर लिए हैं। अब हम सिलाई भी इसी तरह लगा लेंगे, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और इस तरह रखते हुए पूरे में सिलाई लगाकर लेसेस को जोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर लेंगे। अब एक पीस लेंगे, यहां से यहां तक एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसमें भी इसी तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब इसे अलग रखेंगे, इसे लेंगे, इसे इस तरह घुमाएंगे, देखिए इस तरह से, इसे इसके ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरह से, इसमें बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे लेंगे, इसे इधर कर लेते हैं, इसे भी इस तरह घुमाएंगे, देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने जोड़ लिए हैं। अब इन दोनों को पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे। अब देखिए इसे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब इनके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को भी जोड़ लेंगे। देखिए चारों पीसेस को हमने जोड़ लिया है, एक सिंगल पीस हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। अब देखिए इसी साइज की हमने एक फॉर्म शीट ली है, इसे बिछा लेंगे इसके ऊपर, और इसी साइज का बेडशीट में से कपड़ा कट कर लिया है, इसे इस तरह रखेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले यहां पे कच्चा कर सकते हैं या ऑल पिन से यहां पे अटैच कर सकते हैं कपड़े को। अब एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म हम कट कर लेंगे। अब देखिए एक लेस हमने और ली है, इसे लेंगे, आधी नीचे की साइड करेंगे और आधी ऊपर की साइड, इस तरह से कि इस तरह रखते हुए इसमें चारों तरफ सिलाई लगाकर इसके रफ एजेस लेस से कवर कर लेंगे। देखिए लेस से हमने इसके चारों तरफ बॉर्डर बना लिया है, चारों तरफ से इसके रफ एजेस कवर कर लिए हैं। हमारा सुंदर सा आसन बिल्कुल रेडी है, इसे आप पूजा घर में रख सकते हैं, इस पर बैठ के पूजा कर सकते हैं। ये देखिए इसका साइज बता देती हूँ आपको, किस साइज में बन के रेडी हुआ है। लेंथ इसकी 19 इंच और विड्थ इसकी 19 इंच है। 19 इंच बाय 19 इंच का ये आसन बनकर रेडी हुआ है।